इस वक्त की बड़ी जानकारी सीधा यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। प्रदेश में अतिवृष्टि और आकाशीय विद्युत से जनहानि हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर यह गहरा शोक भी व्यक्त किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अनुमन्य राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार प्रदेश में अतिवृष्टि और आकाशीय विद्युत से जनहानि होती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सहायता राशि देने के भी निर्देश किए हैं। दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि प्रदान की जाएगी। अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य करने के भी निर्देश जारी किए हैं। लगातार मौसम में बदलाव के चलते अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की वजह से काफी जनहानि का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और जनहानि पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। दिवंगत व्यक्तियों के लिए परिजनों को 4-4 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार जिस तरीके से यूपी में बारिश का दौर जारी है और कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है वो काफी हानि का सामना कर रहे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही आपको बता दें कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि भी प्रदान की जाएगी। अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य करने के लिए भी निर्देश दिए गए।